गुजरात चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी से हर दिन एक नया सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के सवाल बीजेपी को असहज तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी गलती कर दी है जिससे वो खुद ही घिर गए हैं। मंगलवार को राहुल ने पीएम मोदी पर शायराना अंदाज में सवाल दागे। उन्होंने ट्वीट किया, 22 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब, प्रधानमंत्री जी सातवां सवाल, जुमलों की बेवफाई मार गई, नोटबंदी की लुटाई मार गई, जीएसटी सारी कमाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, बढ़ते दामों से जीना दुश्वार, बस अमीरों की होगी भाजपा सरकार। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ जरूरी सामानों की महंगाई को दिखाता एक ग्राफिक्स भी लगाया। इस ग्राफिक्स में 2014 से लेकर अब तक सामानों के दाम में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ उसके बारे में आंकड़ा दिया गया है। कमाल की बात तो ये है कि राहुल गांधी ने बढ़ोतरी का जो प्रतिशत बताया है वो सारे के सारे गलत है। राहुल ने बढ़ोतरी को जितने प्रतिशत दिखाना है उसमें 100 ज्यादा दिखाया गया है। जैसे कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 414 रुपए थी, जो 2017 में 742 रुपए हो गई है। ग्राफिक्स में इसकी कीमत में 179% की बढ़ोतरी हुई है। अब अगर कोई गणित के सामान्य जानकारी रखता है तो वो समझ जाएगा कि ये बढ़ोतरी केवल 79% ही होनी चाहिए। ऐसे ही दाल को 77, टमाटर को 85, प्याज को 100, दूध को 31 और डीजल को 13% होना चाहिए। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ऐसी गलती कर रहे हैं। राहुल से अक्सर ऐसी भूल होती है जिसकी वजह से वो अपने विरोधियों की निशानी पर भी आते हैं और उनकी छवि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन से बाहर नहीं निकल पाती। राहुल ने एक बार फिर गलती की है तो विरोधियों को उनकी आलोचना करने का एक और मौका मिल गया है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।